गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GNDU इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट को लेकर अब तक क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो एग्ज़ाम मई जून 2024 में हुए हैं। तो चलो सबसे पहले हम फाइनल रिजल्ट वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना, स्क्रॉल करना, रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यू जाने का वहाँ पर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पर पहुँचोगे। तो सबसे पहले अपने ईयर पे क्लिक करना, 2024 को सिलेक्ट कर लेना, मंथ पे क्लिक करना, मई को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने कोर्स टाइप पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पास कोर्स के बारे में। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सिलेक्ट क्लास पे क्लिक करेंगे। तो पास कोर्स वाले रिज़ल्ट बस एक दो दिन से पब्लिश होने शुरू हुए हैं और बस एक ही क्लास का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है अभी तक, और अब से डेली पास कोर्स वाले रिज़ल्ट भी पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। और अब बात करते हैं CBES के बारे में। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे क्लासेस के रिज़ल्ट पब्लिश हो चुके हैं। तो ओवरऑल 15% क्लासेस के रिज़ल्ट पब्लिश हो चुके हैं CBES वाली साइड, और डेली किसी ना किसी क्लास का रिज़ल्ट पब्लिश हो रहा है। और आप बात करते हैं CBGS न्यू वाले ऑप्शन की। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद सिलेक्ट क्लास पर हम क्लिक करेंगे। तो फिलहाल CBGS न्यू वाले रिज़ल्ट पब्लिश होने शुरू नहीं हुए हैं। तो CBGS न्यू वाले रिज़ल्ट जुलाई मंथ से पब्लिश होने शुरू होंगे। एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं, पास कोर्स वाले रिज़ल्ट कल परसों से आने शुरू हो चुके हैं और अब से डेली किसी न किसी क्लास का रिज़ल्ट पब्लिश होगा। CBES के रिज़ल्ट जून 3rd वीक से पब्लिश होने शुरू हो गए थे और डेली किसी न किसी क्लास का रिज़ल्ट पब्लिश हो रहा है। और CBGS न्यू वाले रिज़ल्ट जुलाई मंथ से पब्लिश होने शुरू होंगे, और जैसे ही पब्लिश होने शुरू होंगे हम आपको अपडेट दे देंगे। तो यही अपडेट अभी तक इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट को लेकर जो एग्ज़ाम्स मई जून 2024 में हुए हैं। तो जैसे ही किसी और क्लास का या किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आता तो हम आपको बता देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।